बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम जो है वो CS 610 का लेक्चर नंबर 5th जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं उसके अंदर जो डिस्कस हुए हैं। सबसे पहला है सबसे पहला टॉपिक है वो है बिट स्टफिंग। तो बिट स्टफिंग में जो है वो करैक्टर ओरिएंटेड होती है। हमें पता है कि एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, इसलिए उन्होंने करैक्टर का वर्ड यूज़ किया है। बाइट स्टफिंग की बात की जाए तो एज इट इज़ ये इसमें बिट की बात की जाए तो ये एज इट इज़ बिट ओरिएंटेड ही होती है। नेक्स्ट उन्होंने जो है वो सबसे पहले हमने जो है बाइट स्टफिंग देखनी है कि इसमें और बिट स्टफिंग में कैसे काम होता है। बाइट स्टफिंग में अगर आप देखें कि हमारा डाटा जो है वो फ्रेम्स की फॉर्म में होता है, ये मैंने कुछ फ्रेम्स बना के आपको शो किए हैं, तो ये हमारे फ्रेम्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने कहा कि कुछ फ्रेम जो है फिक्स होते हैं और कुछ जो होते हैं वेरिएबल के अकॉर्डिंग होते हैं। ये दो रूल्स आपने इसके जो हैं वो फॉलो करने हैं ये किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले उन्होंने कहा है ईच फ्रेम स्टार्ट एंड एंड विद ए स्पेशल बाइट फ्लैग। ठीक है, फ्लैग बाइट, जिसको फ्लैग बाइट कहते हैं कि हर जो है फ्रेम जो है वो फ्लैग से स्टार्ट होता है, फ्लैग से ही एंड होता है। तो ये फ्लैग्स हैं, यानी स्टार्ट और एंड फ्लैग से होगा। अब नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि इफ़ द फ्लैग बाइट अकर्स, उन्होंने कहा कि अगर ये फ्लैग आ जाए तो फ्रेम स्टफ ऑन एक्स्ट्रा एस्केप बाइट, तो हम एक एक्स्ट्रा एस्केप उसके अंदर लगाते हैं। जैसे कि ये फ्लैग आ गया है, एग्जांपल से देखें, ये अलग अलग एग्जाम्पल हैं। ठीक है, पहली में अगर देखें तो फ्लैग आ गया है, फ्लैग जहाँ पर आएगा उन्होंने कहा कि वहाँ पर हम ESE यानी एक एक्स्ट्रा फ्रेम जो है उसमें ऐड कर देंगे। इसका सोल्यूशन देखें, अगर आप देखें ए एज इट इज़, ठीक है, एस्केप हमने क्यों लगाया, उन्होंने कहा कि जहाँ पर भी ये फ्लैग अकर होगा उससे पहले हम एक एस्केप लगाएंगे, बी बी एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, यहाँ पे एस्केप है जहाँ पे उन्होंने कहा था कि एक एस्केप जो है वो अकर होगा, वहाँ पे हम उसकी कॉपी करके एक और एस्केप जो है वो लगा देंगे। देखें, उसके बाद हम बात करते हैं ये एस्केप और फ्लैग की। एस्केप में हम एक्स्ट्रा जो है इसकी कॉपी करके लगाएंगे और फिर फ्लैग से पहले भी एस्केप लगाएंगे। तो आप सोल्यूशन में देख सकते हैं, ये एस्केप जो है हमारे पास ओरिजिनल है ये वाली, और ये जो एस्केप है इसकी कॉपी करके लगाई है। अब ये वाली जो एस्केप है ये हमने फ्लैग से पहले, हमने पढ़ा है कि वो जब भी फ्लैग अकर होगा उससे पहले लगाएंगे, तो बी एज इट इज़। इस एग्जांपल में आप देखें कि दो एस्केप हैं हमारे पास, इन दोनों एस्केप की हमने कॉपी करनी है, तो ऑब्वियसली दो कॉपियाँ होंगी क्योंकि दो ओरिजिनल पड़ी हैं और दो कॉपियाँ होंगी, कॉपी होगी इसकी ए एज इट इज़, ये दोनों ओरिजिनल एस्केप और ये दोनों उसकी कॉपी हैं, और बी एज इट इज़। तो इस तरह हमने ये बिट बाइट स्टफिंग में सोल्यूशन करना होता है किसी भी। पहले हमने देखा कि जो है वो बाइट स्टफिंग कैसे करते हैं, अब हमने देखना है कि बिट स्टफिंग में कैसे। उन्होंने कहा कि बिट जो है वो ईच फ्रेम स्टार्ट एंड एंड विद ए स्पेशल बिट पैटर्न, यानी उसका एंड और स्टार्ट जो है वो जीरो से होगा, एक स्पेशल बिट से होगा। फिर उन्होंने कहा है वेन एवर द सेंडर सीज 5 कंजेक्टिव वंस इट्स स्टफ अ ज़ीरो, उन्होंने कहा है कि जब आपके सेंडर जो सेंड करता है डाटा अगर वो 5 कंजक्टिव वंस पा लेता है तो हमने उसके बाद एक ज़ीरो लगाना होता है। तो क्वेश्चन में देखें, ये हमारे पास एक ओरिजिनल डाटा है, सपोज कर लें, लेट सपोज कर लें कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसने इस क्वेश्चन ने लाइन के ऊपर कैसे अपेयर होना है। ठीक है, जो जो सेंडर डाटा सेंड करता है तो इसने लाइन के ऊपर कैसे जो है वो शो होना है, ये एज इट इज़ आ जाएगा 0110, क्योंकि हमारे पास 0 स्टार्ट में भी है और एंड पे भी है। यहाँ पे हमारे पास 4 वंस हैं, ठीक है, 4 वंस के लिए हमने यहाँ पे 5 कंजक्टिव वंस बनाने हैं। उन्होंने कहा था कि 5 कंजक्टिव वंस पहले बनाने हैं आपने, तो एक वन हम इसमें ऐड कर देंगे, 5 कंजक्टिव वन बन गए। पीछे हमारे पास 0 ऑलरेडी है तो हम आगे 0 अपने पास से लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इसका स्टार्ट और एंड जो है वो एक स्पेशल करेक्टर से होगा, बिट से होगा जो कि 0 है। 5 कंजक्टिव वन के बाद उन्होंने कहा था कि हम एक 0 लगाते हैं, स्टफ आ 0, ठीक है, 0 लगा दिया। फिर ये ऊपर वाले नीचे उतारे, ये भी हमारे पास 4 वंस थे, फिर इनको 5 कंजक्टिव वंस बनाया यानी एक लगा के यहाँ पे, फिर हमें पता है कि जब 5 कंजक्टिव वंस आ जाएं तो हमने एक 0 लगाना होता है। इसी तरह ये आगे चलता गया। अब यहाँ पे बिट स्टफ क्या है, बिट स्टफ यहाँ पे 0 है, ये तीनों 0 हैं क्योंकि ये हमने बाद में लगाए हैं, क्योंकि पीछे से तो हमें ये हमें मिली हुई थी, ये भी हमारे पास ऑलरेडी था, तो ये बेसिकली जो है वो स्टफ बिट है। तो इस तरह बाइट और बिट स्टफिंग जो है वो हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट उन्होंने जो टॉपिक डिस्कस किया है लेक्चर 5 में, नेक्स्ट टॉपिक उन्होंने कहा था कि ट्रांसमिशन ऑफ एरर्स। अब किसी भी डाटा में जब ट्रांसमिशन होती है तो उसमें एरर की रीजंस क्या होती हैं, एक तो होती है इलेक्ट्रिसिटी की डिस्टरबेंस होती है, फिर अनएक्सेप्टेबल ह्यूमिडिटी की वजह से, और डस्ट पार्टिकल। अब ये तीन रीज़न आपने याद रखनी है कि जब ट्रांसमिशन होती है तो एरर किस वजह से आती हैं, इन तीनों की वजह से। अब उसके बाद उन्होंने एक जो है वो इन एरर्स के आने की वजह को चेक करने के लिए बताया है एक और टॉपिक के पैरिटी चेकिंग, के वो क्या होती है। तो पैरिटी चेकिंग को अगर हम देखें तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है इवन पैरिटी और एक होती है ऑड पैरिटी।
इवन पैरिटी में आपने हमेशा से याद रखना है कि जब आपके पास इवन नंबर बनेगा तो आंसर ज़ीरो आएगा, जब ऑड नंबर बनेगा तो आंसर वन है। देखिए ये वन है और ये टू है, ये दोनों टू बन यानी दो नंबर बन गए, दो हमें पता है यानी टू हमें पता है एक इवन नंबर है तो आंसर ज़ीरो आ गया, वन हमें पता है ऑड नंबर है तो आंसर वन ही आएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इवन पैरिटी को डिस्कस करते हैं। ये देखिए अब इस यहाँ पे आप देखें इवन पैरिटी की एग्जांपल में, लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, बी टू बी वन और बी नॉट। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा है कि जीरो जीरो तो ऑब्वियसली ज़ीरो आएगा। ठीक है, अब हमने पढ़ा था पीछे कि जहाँ पर भी हमारे पास ऑड नंबर होगा आंसर वन आएगा और इवन नंबर होगा तो आंसर ज़ीरो आएगा। देखें वन ऑड है एज इट इज़, वन वन टू हो गए, टू हमें पता है इवन है आंसर ज़ीरो, वन एज इट इज़ टू हमें पता है इवन है ज़ीरो, टू इवन है ज़ीरो, ये थ्री वंस हैं तो ये ऑड बन गए तो ये एज इट इज़ यानी वन आ गया, हमें पता है वन वन वन, ये तीन है वन टू थ्री, थ्री हमें पता है एक ऑड नंबर है तो इसका आंसर वन आया। उसके बाद है ऑड पैरिटी। ठीक है, इवन पैरिटी हमने डिस्कस कर ली कि जहाँ पर भी इवन बन जाएगा हम ज़ीरो लगाएंगे, ऑड होगा तो वन। अब ऑड पैरिटी जो है वो इसके अपोजिट है, उन्होंने कहा है जहाँ पर भी जो है ऑड आएगा हम ज़ीरो लगा देंगे और जहाँ इवन बनेगा वहाँ वन लगा देंगे, उसके अपोजिट है। ऑड का मतलब ये देखिए वन टू थ्री, ये थ्री हमें पता है ऑड नंबर है, पहले हम ऑड नंबर पे वन लगाते थे लेकिन अब हम ऑड नंबर पे ज़ीरो लगाएंगे, ठीक है, और इवन नंबर पे वन लगाएंगे। ओके चलिए मैं आपको एग्जांपल से, अब देखें ये है ऑड पैरिटी। ऑड पैरिटी में वही वाला क्वेश्चन है, अब इसमें आंसर अपोजिट आ रहा है, कैसे ज़ीरो 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 का वहाँ पे हम ज़ीरो लगाते थे यहाँ पे हम लगाएंगे वन। अब यहाँ पे देखिए वन हमें पता है एक ऑड नंबर है, वहाँ पे अगर ऑड नंबर होता था तो हम वन लगाते थे लेकिन यहाँ पे हम ऑड नंबर का ज़ीरो लगाएंगे। ठीक है, ये भी ज़ीरो आ गया। अब ये दोनों जो हैं इवन बन रहे हैं, टू बन रहे हैं। इवन में हम क्या करते थे, जहाँ इवन बनता था हम ज़ीरो लगाते थे लेकिन ऑड में जो है हम जहाँ इवन बनेगा ज़ीरो लगाएंगे। ठीक है, देखें ऑड है ज़ीरो, इवन है वन, ऑड है ज़ीरो, इस तरह से इसको हम शो कराते हैं। रिजल्ट जो है विल बी टोटली डिफरेंट इन बोथ ट्रुथ टेबल, इन पिछले वाले का और इस वाले का दोनों डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। पहले हमने डिस्कस किया था कि पैरिटी बिट क्या होती है, ये वाला, ठीक है, कि पैरिटी चेकसम जो है इन एरर को चेक करने के लिए यूज़ होता है। अब उन्होंने एक और उसका अल्टरनेट जो है वो पैरिटी का दे दिया है, वो होता है चेकसम। चेकसम भी यही होता है कि अगर आपकी ट्रांसमिशन में एरर्स आ रही हैं तो इस मेथड के ज़रिए आप उस एरर को ख़त्म कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि चेकसम क्या है। देखिए चेकसम जो है वो बेसिकली, लेट्स सपोज कि आपके पास ये कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, 7, 11, 12, 0, 6, तो ये नंबर्स कितने हैं आप देख काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ हम 5 काउंट नहीं करेंगे, हम 4 बिट काउंट करेंगे, क्यों, 0, 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे, तो 1, 2, 3, 4, 4 बिट्स ये नंबर हैं हमारे पास। चेकसम में हमने क्या करना होता है, इन नंबर्स को ऐड करना होता है, अगर आप इन नंबर को ऐड करें तो आपके पास आंसर आता है 36, द सेंडर सेंड द डाटा -36। अब एरर क्या होगी, अगर तो सेंडर हमें आंसर दे रहा है कि ये -36 है लेकिन हमें पता है कि इसको ऐड करने के बाद आंसर तो आता है 36, दिस विल बी द चेकसम, कि चेकसम इस एरर को चेक करेगा और फिर इसका करेक्ट आंसर देगा। ठीक है, एक ट्रांसमिशन हो रही थी उसमें एरर आई कि जो आंसर है वो -36 है, तो चेकसम को अप्लाई करते हुए हमने उनकी जो सेंडर की जो वैल्यूज़ थी उनको ऐड किया, ऐड करके आंसर निकाला, उनकी बिट्स देखी, फिर हमने जो देखा कि वो तो पॉजिटिव में आ रहा है, तो इस तरह चेकसम जो है इसकी एरर्स को निकालता है। नेक्स्ट उन्होंने जो टॉपिक, आखिरी टॉपिक है, लास्ट टॉपिक जो उन्होंने डिस्कस किया लेक्चर 5 में, वो है CRC यानी साइकिल रिडंडेंसी चेक। अगर तो आपने ये यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा मैंने CRC की फाइनल टर्म के में स्टूडेंट्स को जो है वो एक क्वेश्चन समझाया था, तो वो आप उस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर भी मैं आपको ऑलरेडी बता देती हूँ, नहीं तो आप वो वाली वीडियो भी चेक कर लें फाइनल टर्म में, जो है मैंने प्लेलिस्ट में लगाई हुई है। साइकिल रिडंडेंसी चेक में अब सबसे पहले क्या होता है, ओरिजिनल डाटा हमारे पास होता है यानी कि क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास लेट्स सपोज कर लें कि आपके पास ये है 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ठीक है, ये ज़ीरो सपोज कर लें कि आपके पास नहीं है, ये मैंने सोल्व करते हुए लगवाई थी, बल्कि मैं आपको दोबारा लिख कर जो है वो करवा देती। तो इसमें हम क्या करते हैं कि आप सपोज कर लें कि आपके पास जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, ये आपके पास एक ओरिजिनल डाटा है। ठीक है, तो CRC जो जनरेटर है वो आपको देगा इसका जो है
क्वेश्चन ऐसे कि ये सी आर सी जनरेटर उसके ये हैं और इसके साथ उसको कंपेयर करना है। तो आपने क्या करना है, कंपेयर करने के लिए सबसे पहले इसका रूल होता है कि आपने इसके साथ 3 ज़ीरोज़ लगाने होते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे 001, ठीक है। इसमें ये रूल होता है जहाँ जहाँ पे भी 2 1s आएंगे तो आंसर 0 आएगा। तो हम चलें देखते हैं। नहीं, सबसे पहले आपने जो है वो प्लस ऑपरेटर लगा के पहले वाले को जो है वो निगलेक्ट कर देना होता है, ठीक है जी। हाँ, ऐसे करना है। पहले तो आप यहाँ पे प्लस ऑपरेटर लगाएं और यहाँ पे 1 ही रहने, ठीक है। 1 1 0, 1 as it is, 1 1 0, और ऊपर वाले ये तीनों 1 as it is, ठीक है। 1 1 1 0 0 0। फिर से आप उसी क्वेश्चन को लेंगे लेकिन पहले एंड का जो सॉरी प्लस ऑपरेटर लगाएंगे, फिर से वही क्वेश्चन लिखें करें 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 as it is। पहले आपने क्या किया था, 3 0 एड्स में ऐड किए थे, फिर आप इसने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया था। फिर से हम करते हैं, इस 0 को हमने निगलेक्ट करते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन इसके नीचे लिखेंगे 0 0 1 1 1 0 0 0 का तो हमें पता है एज इट इज आएंगे 1 1 0 1 0 0 0। अब ये हमारे पास आंसर आया। इसके नीचे फिर से हम वही क्वेश्चन लगाएंगे 1 0 0 1, तो हमारे पास क्या आंसर आया 1 1 0, ये 0 एज इट इज़ और ये 1 एज इट इज़। अब ये जो है बेसिकली सी आर सी है, ठीक है, सी आर सी। लेकिन यहाँ पे एरर है, हमने पढ़ा है कि सी आर सी में आंसर सारा जो है वो 0 के फॉर्म में आएगा होगा, तो हमारी जो रिडंडेंसी उसके अंदर नहीं है, एरर नहीं है। तो अब इसको, इस एरर को हमने ख़त्म कैसे करना है सी आर सी चेक के ज़रिए, तो हम इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं। फिर से सॉल्व करने के लिए हमने इसको क्या करना है, इस बार हमने इस जगह पे 2 0 ऐड कर देनी है। फिर इसमें देखें, ऐड नहीं करने हैं बल्कि आपने ये जो आंसर है, ये देखें हमने 3 ज़ीरोज़ ऐड किए थे ना, तो इन ज़ीरोज़ की जगह हमने अपना ये जो एरर आ रहा है वो लिखना है। तो क्वेश्चन फिर से कैसे बनेगा, 1 1 1 1 1 1 और 1, ये 7 1s हमारे पास क्वेश्चन में थे। अब हमने ये 3 0 ऐड किए थे लेकिन नेक्स्ट अब हमने एरर ख़त्म करना है, तो हमने इसमें 0 नहीं बल्कि 0 0 1 जो एरर आ रही है वो लिखनी है यहाँ पे। फिर से हम क्वेश्चन को जो है वो अप्लाई करेंगे 0 0 1, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1। फिर से इसको निगलेक्ट कर देंगे, क्या करेंगे 1 0 0 1, तो क्या आएगा 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1। फिर से इस 0 को निगलेक्ट कर दिया, 0 0 1 लगाएंगे, 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1। अब हमें पता है कि हमारे पास क्वेश्चन में ये चीज़ है और ये चीज़ हमारे पास बन चुकी है, तो इसको इसके नीचे लिख के फिर से करेंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली 1 1 0 0 0 1 1 0, तो हमारे पास आंसर आ गया। तो ये साइकिल रिडंडेंसी चेक है कि इसमें अब एरर नहीं आ रही, जहाँ एरर आ रही थी उसी को उठा के हमने क्वेश्चन में जहाँ 3 0 ऐड किए थे वहाँ लिखा और दोबारा से उसको सॉल्व किया, तो हम ये हमारे पास 0 में आंसर आ गया। और अब यहाँ पे जो है देर इज़ नो एरर, जो एरर है वो डिटेक्ट हो चुकी है। साइकिल रिडंडेंसी में आपने यही करना होता है, जो क्वेश्चन है उसमें 3 0s ऐड करें और उसको सॉल्व करते जाएं और प्लस का ऑपरेटर लगा के उसको 0 को नेगलेक्ट करते जाएं, यानी कि एक छोड़ के उसके नीचे आपने लिखना है। अगर आपके पास एरर नहीं आ रही तो आंसर ठीक है, अगर एरर आ रही है तो उसी एरर के डिजिट्स को उठा के 0s की जगह लगाएं और उसको दोबारा सॉल्व करें, तो आपके पास इंशाल्लाह से वो जो डिटेक्ट हो जाएगी। मेरा लेक्चर जो है अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।